तीसरे भाई की हत्या हो गई, मैं उस दिन आया था। उसके बाद में पता चला दूसरे दिन नया मोड़ आने लगा कि मेरे सगे भाई मोती पासी का इसमें हाथ बताया जाना लगा। और जिस तरह से बातें होने लगी, बार बार पत्रकारों का फ़ोन आ रहा था, तो मैं बोला भाई विधायक जी आप अपना वर्जन दे दीजिए, क्या बात है। तो मैं बोला ठीक है, मैं सामने आकर के बताता हूँ कि क्या हकीकत है। और जब ये हत्या हुई तो जब मुझे पता चला तो शाम के समय जो अपराधी है वो अपराधी ने मुझे खुद फ़ोन किया था, 6:12, 6:13, 6:14, 6:15, 4-5 बार उसका मिस कॉल आया तो मैंने उठाया नहीं। तो फिर 6:16 पे मैंने कॉल उठाया तो मैंने उससे बात किया, तो उसने कहा मैं शैलेंद्र यादव बोल रहा हूँ। बोला क्या बात है। बोले आपके भाई मेरा FIR में नाम डलवा रहे हैं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं और मैं ज़िंदगी भर जेल में नहीं रहने वाला हूँ, मुझे फांसी नहीं लगेगी, तो मेरा यदि नाम आएगा तो मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा और लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से उसके ये वक्तव्य थे। तो मैंने कहा कि तुम मुझसे क्या बातें कर रहे हो, तुम अपराधी हो या नहीं हो। बोले मैं अभी थाने जा रहा हूँ, हाजिर हो रहा हूँ और अब मेरे बयान दे दूंगा। बोला ठीक है, जाके तो प्रशासन जो करना होगा करेगा, यदि अपराधी हो गए तो आप उसमें शामिल हो गए तो प्रशासन जो सजा देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, आप मुझसे बात क्यों कर रहे हो। उसके बाद फ़ोन मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद तुरंत मैंने नंदगढ़ SO को फ़ोन किया कि सर ये नंबर से फलाना फलाना आदमी ने मुझे फ़ोन किया था, इस तरह से वो धमकी भरा वक्तव्य मेरे साथ कर रहा था। आने के बाद मैं खुद घर पे गया, देखा कोहराम मचा हुआ था, सारी पुलिस विभाग थी। उसके बाद मेरा छोटा वाला भाई मोती भी था, उनकी माता जी भी थी, उनकी पत्नी थी। बाद में सारा कुछ आकर के दाह संस्कार हुआ। जब रात को मैं गया तब मुझे हकीकत मालूम पड़ी कि वो 2.25 लाख रुपया घर से लेके निकला था। उसकी पत्नी ने शायद कहा कि इतना पैसा लेके क्यों जा रहे हो, तो बोले शैलेंद्र ने मुझे बुलाया है, मैं उससे मिलके आ रहा हूँ। तो ये गया मिलने के लिए, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। तो बाद में पता चला कि भाई ने उसको 2-4 बार मेरे छोटे वाले भाई मोती ने उसको फ़ोन किया, क्योंकि वो उसके साथ गया हुआ था, उसने उसको फ़ोन करके बुलाया था। तो घर के लोग वहीं से फ़ोन कर रहे थे, जब लाल बाबू नहीं आया तब ये लोग जा करके नंदगंज थाने के अंदर ये लोग ने मुकदमा लिखाया। किस चीज़ का? गुमसुदी का, कि हमारा भाई को ऐसा ऐसा इस आदमी ने लेके गया और वो अभी तक घर पे नहीं आया। परसों के दिन मैंने जब देखा, कल शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो यहाँ SP साहब का भी मैंने देखा, उसमें जिक्र था कि जो अपराधी है और जो जिसकी हत्या हुई है वो मेरे पिताजी के हत्या में उसका इन्वॉल्वमेंट था। 2007 में मेरे पिताजी का अपहरण हुआ था जनवरी महीने में, और उसको कयास में लगा करके कि ये उसमें इन्वॉल्व है तो क्यों ना इनको फंसाया जाए, तो मोती का नाम लेकर के कि मोती ने मुझे कहा इनको ठिकाने लगाने के लिए, इस तरह का वक्तव्य अपराधी शैलेंद्र यादव ने दिया है। जो तथ्यों के थ्रू, आप लोग के माध्यम के थ्रू मुझे जानकारी हुई, मैंने भी बयान देखा, तो जब काफ़ी लोगों का मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने बोला ठीक है, जो हकीकत है मैं बताता हूँ। इसमें मेरे परिवार के लोगों को फंसाने का काम जो हो रहा है, जो अपराधी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राजनीति है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन लाल बाबू हमारे परिवार का सदस्य था, हमारा भाई का लड़का, चाचा का लड़का था, हमारा भाई लगता है, उसका भाई महेंद्र, उसका भाई मोहन, उसकी पत्नी, उनकी माता जी जो हमारी चाची लगती है, ये सब लोग हम लोग वहाँ थे। और जिस तरह से ये बात को, इस केस को हल्का करने की कोशिश की जा रही है, मैं तो चाहता हूँ कि इसकी जो भी है आप जांच कीजिए, जो सही है वो आप विधायक जी कप्तान, मतलब